सक्सेस चैनल के इस नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई नग पहनने वाला होता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि नग पहनने से पहले, जिस दिन उस नग को धारण करना है उस दिन धारण करने से पहले उसकी विधिवत पूजा होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर पूजा कराए तो कराए कैसे, मुझे तो पूजा करनी आती नहीं है। तो आज मैं आपको कोई भी ग्रह रत्न पहनने से पहले कैसे पूजा किया जाता है इसके बारे में बहुत आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा, तो कृपया इस वीडियो में जुड़े रहिए। दोस्तों, कृपया सब्सक्राइब करें आदि एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ज्योतिष से जुड़े हुए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, वीडियो चलते समय आप किसी भी वक्त वीडियो को बंद कर सकते हैं। बंद करने से पहले लाइक या फिर डिसलाइक जो आपको अच्छा लगे वो बटन को प्रेस करके फिर वीडियो को बंद कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पुखराज पहना हुआ, अगर मान लीजिए ये पुखराज सोनार के दुकान से नया बन के आया है, तो पहले तो इसकी पूजा होनी चाहिए। सबसे आसान जो तरीका है कि आप अपने किसी भी जो देवता को मानते हैं उस मंदिर में जाए और पुरोहित को बोले कि इसका शुद्धि करवा के दीजिए या फिर इस नग की पूजा करवा के दीजिए। पुरोहित आपसे आपकी नाम और गोत्र पूछेगा, आप अपना नाम और गोत्र बताएं, वो पंचामृत से इसको धोके नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करके मंत्र का जाप करके आपको शुद्धि करके दे देगा। आप पुरोहित को अपने इच्छा अनुसार जो भी दक्षिणा बनता है वो दक्षिणा आप पुरोहित को दे दें। इसके अलावा अगर आप घर में कोई नग को शुद्धि करना चाहते हैं या फिर घर में अगर इसको एनर्जाइज करना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस है? इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग अगर हॉस्पिटल जाते हैं कोई मरीज को देखने या फिर ऐसे किसी व्यक्ति के घर जाते हैं जिसके घर में अशौच चल रहा है, तो वापस आने के बाद अगर अंगूठी को आप दूसरे दिन नहा के अगर शुद्धि करके पहनेंगे तो उससे और भी अच्छा लाभ मिलता है। दोस्तों, महीने में दो बार कम से कम, हर 15 दिन में एक एक बार करके आप अगर अपने नग को शुद्धि करेंगे तो उसकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती रहेगी। आसान सा कुछ उपाय है मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप अपने घर बैठे ही बिना किसी मंदिर जाए हुए आप इसको एनर्जाइज कर पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, मान लीजिए ये पुखराज है, ये पुखराज सुनार के दुकान से आया, इसको आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन सुबह के 10 बजे के अंदर पहनना है। आप नहा धो लीजिए, तैयार हो जाइए, पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद एक तांबे की कटोरी लीजिए, उसके भीतर इसको रखिए, इसके अंदर गंगा जल, घी, शहद, कच्चा दूध और दही मिला के थोड़ी सी पुष्प अर्पण करें और थोड़ी सी तुलसी पत्ता दें। फिर इसको ऐसे पकड़ के आप नवग्रह स्तोत्रम का पाठ अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने इष्ट देवता का नाम या फिर इष्ट देवता से जुड़े हुए कोई भी बीज मंत्र का 108 बार आप जाप करें। अगर आपको आपका इष्ट देव कौन है ये नहीं पता है तो आपको जो देवता अच्छा लगे उस देवता को आप अपने थर्ड आई चक्र में स्मरण कीजिए, विजुअलाइज कीजिए और ऐसे इसको पकड़ के थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए कि आपके इष्ट देव आपके सामने समक्ष खड़े हैं और आपकी जो मनोकामना है सब पूर्ण हो रही है और ये क्रिस्टल एनर्जाइज हो रहा है। दोस्तों, उसके बाद पंचामृत से इस नग को निकाल के फिर से आपको क्या करना है, इसको साफ पानी या फिर प्रेफरेबली अगर हो सके तो गंगा के जल से इसको धोना है। गंगा के जल से धोके इस नग को आपको सूर्य की किरण में आपको 15 से 20 मिनट रखना है। उसके बाद आप फिर से गंगा के पानी से धोके आप इसको धारण कीजिए। तो मंदिर में जाके आप अगर जो नग है इसको पुरोहित द्वारा शुद्धि कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर पाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि मेरी अभिज्ञता से आप अगर अपने ही नग को अपने सामर्थ्य अनुसार खुद ही इसको एनर्जाइज करें तो उसका रिजल्ट सबसे ज्यादा मिलता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अभी प्रश्न ये उठता है कि जैसे ये पुखराज के बारे में मैं आपको बताया कि पुखराज शुक्ल पक्ष के तिथि में गुरुवार के सुबह 10 बजे के अंदर इसका धारण करना शास्त्र में उल्लेख है, लेकिन मान लीजिए आप ऐसे किसी स्थान पे गए, शमशान गए या फिर हॉस्पिटल गए या फिर किसी का डेथ हुआ उसके घर गए, किसी के घर में नया बच्चा पैदा हुआ उसके घर गए,
अगला दिन है मंगलवार, तो आप क्या गुरुवार तक इंतजार करेंगे? नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार तो आपने उसको शुक्ल पक्ष की गुरुवार को धारण कर चुके हैं, तो फिर से आपको गुरुवार को ही धारण करना होगा, ऐसी बात नहीं है। वो पुखराज आपके बॉडी चक्र में, आपके बॉडी एनर्जी लेवल में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। उसको सम्मान देने के लिए आप किसी भी दिन नहा धो के उसकी शुद्धि करके आप पहन लीजिए, तो आपको उसकी पूर्ण फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे किसी रोचक एवं महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।